हेलो स्टूडेंट, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री रिलेटेड विद इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड अलोंग विद दिस हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी करेंगे कि क्या इशू ऑफ शेयर एट पार क्या रहता है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होने वाला। लेट्स स्टार्ट। इश्यू ऑफ शेयर, देखिए हमारे जो शेयर्स होते हैं वो एक क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है कंपनी के लिए। कंपनी को जब भी फंड्स चाहिए होते हैं तो वो अपनी ऑथराइज कैपिटल का कुछ पार्ट जो है वो क्या कर देती है, पब्लिक को इशू कर देती है। जब वो पब्लिक को इशू करती है शेयर तो वो किस काइंड में कर सकती है, टू काइंड में कर सकती है। वो किस में कर सकती है, एट पार पे इशू कर सकती है और किस पे कर सकती है, एट प्रीमियम। एट पार एंड एट प्रीमियम। अब यहाँ पे एट पार का क्या मतलब है और एट प्रीमियम क्या क्या मतलब है। कंपनी ने एक प्राइस होता है कंपनी के पास शेयर्स का। लेट्स सपोज वो कंपनी का प्राइस कितना है, 100 रुपी है, ठीक है। उस प्राइस को, शेयर के प्राइस को हम उसकी क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, या उसको फेस वैल्यू भी बोल दिया जाता है या फिर वो क्या बोल दी जाती है, नॉमिनल वैल्यू। वो कितनी है राजे, 100 रुपी। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल। कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, एट पार, ठीक है। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर कितनी है, 100। और जब वो पब्लिक को इश्यू किया जाता है, इश्यू प्राइस, वो भी कितने पे किया जा रहा है, 100 रुपी पे किया जा रहा है। तो ये जब फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू इश्यू प्राइस, तो दिस इज अ केस ऑफ पार, ठीक है। मतलब एक पार 100 का ही था और 100 में ही क्या हो रहा है, इश्यू हो रहा है, इसको बोलते हैं इश्यूड एट पार। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं, इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पे कैसे होता है कि जैसे आपने क्या किया है, फेस वैल्यू और यू कैन से नॉमिनल वैल्यू। तो कई बार सब में आपको राजू फेस वैल्यू दी होगी, कई बार उन्होंने नॉमिनल वैल्यू वर्ड यूज किया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो वो 100 रुपी है, बट जो कंपनी है उसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि अगर वो ज्यादा भी पैसे डिमांड करती है तो भी पब्लिक देने को क्या है, रेडी है, ठीक है। तो इश्यू प्राइस यहाँ पे अगर कितना हो जाता है, लेट्स सपोज 120 हो जाता है, 100 का उसका प्राइस था लेकिन वो पब्लिक से डिमांड कितना कर रही है, कंपनी 120 कर रही है, 20 रुपीज क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है। तो ये मेरा कौन सा केस होने वाला है, एट प्रीमियम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा केस होने वाला है, एट प्रीमियम। अब ये तो मेरा पॉइंट हो गया कि इश्यू ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो पार पे भी रहते हैं और किस पे रहते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप के टूवर्ड्स चलते हैं। सेकंड स्टेप कहता है कि इश्यू ऑफ जो शेयर्स रहेंगे, लाइक ये जो 100 रुपीज है, ये वन शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। 100 रुपी फर्म ने पब्लिक से कलेक्ट करने हैं, तो जो पब्लिक होती है वो आपको एकदम से 100 रुपी नहीं देगी, ना ही आप कंपनी वाले मोस्ट ऑफ द केस उसको डिमांड कर सकते हैं। अगर डिमांड करते तो वो लमसम केस होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो पब्लिक से शेयर की वैल्यू डिमांड की जाती है ना, वो इंस्टॉलमेंट में की जाती है,
शेयर्स के केस में वो जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम कुछ डिफरेंट रहता है, हम उसको इंस्टॉलमेंट नहीं कहते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं राजू? एप्लीकेशन मनी। सेकंड, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अब ये क्या क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने वर्ड क्या लिखा है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से नाम से ही हमें डिफेक्ट हो रहा है कि कुछ मनी एट द टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन दी जाती है। पब्लिक ने जब कंपनी को बोलना है कि मेरे को इतने शेयर्स चाहिए, तो वो एक प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है अपना, जिसमें वो डिमांड, जैसे आपका कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसके पीछे आपका एक फॉर्म लगा होता है जो आपको भर के वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में फिल करके देना होता है अलोंग विद सम काइंड ऑफ फी। एंड द सेम थिंग हैपन विद शेयर्स। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें एक आपके पास फॉर्म रहता है, उस फॉर्म में आप पर्टिकुलर्स लिख के देते हो, डिमांड करते हो कि मेरे को इतने क्या चाहिए, शेयर्स चाहिए, और वो एप्लीकेशन आप कंपनी के साथ डिपॉजिट करवाते हो अलोंग विद सम मनी। ठीक है, वो मनी को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। अब वो जो एप्लीकेशन मनी है, यहाँ पे हमने एग्जांपल कितने की ली थी, 100 की ली थी ना, तो कुछ पार्ट एप्लीकेशन मनी पे देना। लेट्स सपोज उसको कंपनी ने डिसाइड किया है कि आप 25 रुपीज के अकॉर्डिंग जितने भी शेयर डिमांड करोगे, 25 पर शेयर आप हमें क्या दोगे, एप्लीकेशन मनी दोगे। ठीक है, जब एप्लीकेशन मनी हो जाती है तो फिर कंपनी डिसाइड करती है कि आपको जितने आपने डिमांड करे हैं पब्लिक में शेयर्स, क्या उतने ही शेयर्स अलॉट करने हैं कि उससे कम करने हैं कि उससे ज्यादा करने हैं। वो ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी हम ये करते हैं कि 100 शेयर आपने डिमांड करे, 25 रुपए के अकॉर्डिंग आपने 100 शेयर अगर लेने हैं तो आपको कितने रुपीस देने पड़े विद अलोंग विद एप्लीकेशन, 2500। कंपनी मान गई, कंपनी कहती है ओके फाइन, हम आपको रेडी हैं देने के लिए। तो कुछ टाइम के बाद वो आपसे एक और इंस्टॉलमेंट मांगेगी, उस इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। ठीक है, अगेन कुछ मांगा जाएगा, 25 रुपीज आपने यहाँ दे दिए, लेट्स सपोज यहाँ पे कंपनी ने कितने रुपीज मांग लिए आपसे, 50 रुपीज मांग लिए अलॉटमेंट के टाइम। फिर कुछ टाइम बीता, कंपनी को फिर पैसा चाहिए, उसने फिर आपसे मांगना है, फिर वो उसको बोलते हैं कॉल मनी। इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, कॉल मनी। अब ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनाएगी हम उस अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी भी कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट में तोड़ेगी हम उतनी कॉल्स बना लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे कितने रुपीज हो चुके हैं, 25 प्लस 50 75 रुपीज हो चुके हैं। अब 25 रुपीज जो रह गए हैं वो दो इंस्टॉलमेंट में कंपनी लेना चाह रही है, तो मैं इसको दो इंस्टॉलमेंट में बांट दूंगी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अब फाइनल कॉल तक ही रहने वाले हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ फर्स्ट कॉल पे कंपनी डिमांड कर रही है कितने, 15 रुपीज, और सेकंड कॉल पे कंपनी डिमांड करेगी 10 रुपीज। ठीक है, अब देखिए 25, 50, 75, 75 प्लस 15 प्लस 10, आपके पूरे कितने रुपीज हो गए हैं, 100 रुपीज हो गए हैं, जो इस तरह इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या करती है, कॉल करती है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमने जो जो जर्नल एंट्रीज में वर्ड यूज करने हैं, मैंने वो आपको सबकी पहले ही क्या दे दी है, इंट्रोडक्शन दे दी है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। अब हम क्या करेंगे, एक बार और एट प्रीमियम की क्या करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हमने अब क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। हाँ जी, तो एक पार की फर्स्ट हम जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं। एक पार का मतलब 100 रुपी पे ही इशू हुआ हुआ है और 100 रुपी पे ही क्या लिया जा रहा है, शेयर लिया जा रहा है, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस बोथ आर सेम।
ठीक है, तो उस केस में क्या हमारे पास एंट्री होगी। ठीक है, पहले हम केसेस करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या होने वाला है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। राजू मैं यहाँ पे जनरल एंट्री का परफॉर्मर रोल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप कर लेना अपने आप, पता ही आपको डेट पर्टिकुलर लेटर फॉर योर डेबिट एंड क्रेडिट वो मैं रोल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट आपको जरूर करके आना है, उसके भी मार्क्स रहते हैं, मैं जस्ट ऐसे जनरल एंट्रीज लिखने वाली हूँ। तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो रिसिप्ट एट द टाइम मैंने आपको पूरी आपको समझाया कि फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन मनी आती है, तो स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन मनी आपके पास आ जाती है, तो वो किस में आती है, बैंक फॉर्म में आपके पास आती है, ठीक है ना, कैश फॉर्म में नहीं जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो हमारे पास क्या आया, फॉर्म है, हमारे पास पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ बैंक, तो वो हमने एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। डन, मेरे पास 25 क्या थी, एप्लीकेशन थी, और 100 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये एंट्री होगी 2500 के साथ मेरी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या हो रही है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया है सब कुछ, आपको शेयर्स क्या होने जा रहे हैं, अलॉट होने जा रहे हैं। ऑन द अलॉटमेंट, ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी ये ट्रांसफर होगी शेयर कैपिटल में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब आपने एप्लीकेशन डिपॉजिट करवाई थी उस टाइम पे जो कंपनी थी वो श्योर नहीं थी क्या जो आपने 2500 की 100 शेयर की जो डिमांड करी है क्या वो 100 शेयर ही आपको अलॉट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है ना। तो उसने रिसीप्ट की एंट्री कर ली थी, लेकिन अब जब वो श्योर हो जाती है कि नहीं मेरे पास 100 शेयर ही मेरे को अलॉट, पर्सन ने 100 शेयर मांगे थे और मेरे को 100 ही अलॉट करनी है, तब जब वो श्योर हो रही है तो वो ये अमाउंट एट द टाइमिंग ऑफ अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, क्या शेयर एप्लीकेशन को, जो यहाँ पे आपकी क्रेडिट हुई है ना अभी आप इसको खत्म करने वाले हो क्या करके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कितना था 2500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2500। तो अब आपके ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो किस में ट्रांसफर हो गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अगर आप देखें यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ था और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट और डेबिट कट हो गए, आपके पास एक्चुअल में एंट्री अगर हम देखें तो क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट करनी है तो अब सबसे पहले आपके पास जो अलॉटमेंट मनी है वो कितनी है, 50 रुपीज, वो क्या होएंगे, ड्यू होंगे, ठीक है। सिर्फ एप्लीकेशन मनी जो होती है वो पहले रिसिप्ट होती है, नहीं तो रूल यही कहता है पहले ड्यू होता है फिर क्या होता है, रिसिप्ट होता है, ठीक है। अब हम कौन सी एंट्री करने वाले हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू। बच्चों यहाँ नरेशन आपने लिखते रहना, अच्छा, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, तो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होनी है ना वो ये वाली एंट्री है। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं रिपीट करने वाली हूँ सारी एंट्रीज, सिर्फ यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की जगह पे आप क्या लिखने वाले हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल
अकाउंट अगर आप देखिए बिल्कुल रिपीट है, सिर्फ यहाँ एप्लीकेशन की जगह क्या लिख दिया गया है, अलॉटमेंट लिख दिया गया है। अब ये एंट्री कितने से होनी है राजू, 50 रुपीज है, और क्या है 100 हमारे पास क्या है शेयर्स हैं, तो ये हमारे पास एंट्री कितने रुपीज से हो जाएगी, 5000 से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब हमने करनी है रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब हमें जो अलॉटमेंट मनी है वो रिसिप्ट करनी है, ये वाली एंट्री करनी है। रिसिप्ट आ रहे हैं पैसे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 5000। तो अगेन शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कट हो गया, एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये मेरी ड्यू भी हो गई और रिसिप्ट भी हो गई। अब किसकी टर्न आ रही है, कॉल मनी की आ रही है टर्न। तो अब हम कॉल मनी भी इसी तरह पहले कॉल मनी को ड्यू करेंगे फिर रिसिप्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कॉल मनी ड्यू क्वेश्चन में ना आपको सबकी डेट्स दी होंगी, ठीक है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम वैसे वैसे जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा हम डेट डाल के वैसे ड्यू करेंगे पहले फिर रिसिप्ट करेंगे। तो कॉल मनी ड्यू हो रही है जी मेरे पास, ड्यू होएगी तो क्या एंट्री होने वाली है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या होने वाला है राजू, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज से होने वाला है, 15 रुपीज, 100 शेयर कितना हुआ, 1500। डन, ये हो गया ड्यू। अब हम क्या कर दें, बस अब रिपीट करते जाओ रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। अब मैं कॉल मनी को रिसिप्ट कर लूंगी, क्या है, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, ये भी बहुत, ये ना आप लोगों ने वैसे ही हवा बना रखा है इस चैप्टर को, अदरवाइज तो ये शेयर वाला मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक लगता था मेरे को अपने टाइम पे ये वाला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत चलता है, आगे आगे देखना कितना मजा आने वाला है कि फॉरफिट कैसे होते हैं फिर री इश्यू कैसे होते हैं। चलिए वो बात की बात है, बैंक अकाउंट कितना हो गया, 1500 टू, सॉरी हाँ ये इसी का ही चल रहा है ना, हाँ 1500। अब आपका सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल को भी आप ऐसे ही ड्यू करने वाले हो और फिर उसका क्या करने वाले हो, रिसिप्ट लेने वाले हो। तो सेम यहाँ पे शेयर क्या हो जाएगी राजू, सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। डन जी, ये आपके पास कौन सी एंट्री राजू मैंने करवा दी है आपको, एट पार। एट पार, एट पार कौन सा केस होता था आपके पास, जब आपके पास क्या होता था, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू और इश्यू प्राइस बोथ आर क्या रहते थे, सेम रहते थे, तो उस केस को पार कहते थे। और ये मैंने सारी आपकी क्या कर दी है, एंट्रीज कर दी है। अब हमने सेकंड केस क्या करना है, डिस्कस करना है। सेकंड केस क्या कहता है, इश्यूड एट प्रीमियम, कौन सा केस करना है राजू, अब हमने प्रीमियम वाला, प्रीमियम वाला केस हमने क्या लिया था, 100 के अगेंस्ट कितने रुपीज हमने किए थे, 120 रुपीज करे थे। ठीक है, हाँ जी 120, 100 हमारे पास क्या था, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस क्या था, 120, तो 20 रुपीज यहाँ पे क्या आ रहे हैं ज्यादा, तो ये कौन सा केस है, प्रीमियम का केस है। डन, तो यहाँ पे भी क्या इंस्टॉलमेंट को हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रीमियम हमारे पास क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। लाइक हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मेरे पास एप्लीकेशन पे कितने रुपीज आएंगे राजू, लेट्स सपोज
25 रुपीज आ रहे हैं। अलॉटमेंट पे कितने आ रहे हैं आपके पास? अलॉटमेंट पे हमने पिछली कैंपल में लिया था 50, फर्स्ट कॉल पे लिया था आपने कितना लिया था? फर्स्ट कॉल पे हमने लिया था 15 रुपीज और 10 रुपीज, यहाँ ये 100 बन गया ना। तो यहाँ हमें केस कह रहा है कि आपको प्रीमियम पे बेचनी है, ठीक है। प्रीमियम जो है वो कंपनी डिमांड कर सकती है एट द टाइमिंग ऑफ अलॉटमेंट और एट द टाइमिंग ऑफ फर्स्ट कॉल। इट डिपेंड अपॉन द कंपनी कि कंपनी अलॉटमेंट पे या प्रीमियम कॉल कर सकती है या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे। मेरी इस एग्जांपल में वो किस पे कर रही है राजे? अलॉटमेंट पे 20 रुपीज जो है वो प्रीमियम के ले रही है, ठीक है। तो अब हमें जब प्रीमियम पे ऐसे करनी है एंट्रीज तो क्या रहेगी? तो केस मैं फर्स्ट वाला ही केस ले रही हूँ, एट पार वाला। एप्लीकेशन पे 25 रुपीज आ रहे हैं, अलॉटमेंट पे 50, प्लस कितने आ रहे हैं 20, ये किसके हैं 20 कितने हैं प्रीमियम के, और 15 और कितने रुपीज आ रहे हैं 10 रुपीज सेकेंड एंड लास्ट कॉल, ठीक है जी। चलिए अब इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। प्रीमियम की एंट्रीज क्या रहने वाली हैं? देखिए हमने फर्स्ट केस क्या किया था, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी सेम चल रहा है, 25 रुपीज ही है, 100 रुपीज के ही हैं, तो ये क्या होने वाली है राजू? सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम होगी। सेम बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2500। सेकेंड एंट्री क्या होने वाली है? ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये तो हमने इसको ट्रांसफरिंग की एंट्री करी थी, तो ये भी अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। अब अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करनी है हमें, अब अलॉटमेंट ड्यू करनी है ये वाला, यहाँ पे इफेक्ट इसका आने वाला है, ठीक है। अब क्या इफेक्ट आएगा आपके पास? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा देख लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लीव इट, अभी नहीं डालनी अमाउंट, बाद में समझाती हूँ कैसे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, एक नया आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा वो? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें फिलिंग करना सीखते हैं। 100 शेयर्स थे, कितने रुपीज हैं 50, प्लस कितने हैं 20। तो जो ये मेरी शेयर कैपिटल है ना, ये नहीं छीनने वाली, ये अगर 50 रुपीज जो 100 रुपीज का आपके पास क्या था फेस वैल्यू है ना, ये फेस वैल्यू के साथ ही चलती है, तो मेरे को ये शेयर कैपिटल लास्ट में जाके 100 ही शो करनी है। दैट्स व्हाई इसमें कितने आएंगे राजे? 50 रुपीज इंटू क्या आएंगे, 100 आएंगे, ठीक है। तो ये कितना होने वाला है 5। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मेरी इनकम है ना, इसलिए किसमें गई है, क्रेडिट पे गई है। तो कितने रुपीस थे 20 थे, कितने 100 के अकॉर्डिंग कितना आ गया 2000। 500 शेयर कैपिटल में गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना गया 2000, 20 रुपीस वो बोल रहा था, 20 × 100 2000। तो अलॉटमेंट में 5 + 2 कितना जाने वाला है 7000। ये किसकी एंट्री करी है? अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। नाउ रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी को अब हमने क्या कर लेना है, रिसिप्ट कर लेना है। तो रिसिप्ट क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितने आए थे
7 अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम डिमांड कर लिया था तो इट डिपेंड अपॉन द कंपनी कंपनी कैन डिमांड प्रीमियम एट द टाइमिंग ऑफ फर्स्ट कॉल और एट द टाइमिंग ऑफ सेकेंड कॉल ऑल्सो वो क्वेश्चन बताएगा हमें जैसा क्वेश्चन कहेगा हम उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू कर देंगे मे बी वो ये कह सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपी अलॉटमेंट पे मांग लिए गए 10 रुपी किस पे मांग लिए गए फर्स्ट कॉल पे डरने वाली कोई बात नहीं है जैसा जैसा केस होएगा उतने रुपए से आप मल्टीप्लाई करते जाइए वैसे वैसे सम करते जाइए आपके सम क्या होते जाएंगे क्लियर होते जाएंगे ठीक है जैसे बस एक बात याद रखनी है कि शेयर कैपिटल जो 100 रुपीज है जितनी की उसकी फेस वैल्यू है उतने से ही चलता है बाकी रेस्ट जितना पैसा आएगा वो एक्स्ट्रा एक अकाउंट ओपन होने वाला है उसमें जाने वाला है चलिए अब इस सम को मैं पूरा कर लेती हूँ फर्स्ट कॉल मेरी ड्यू हो रही है 15 तो यही वाली सेम एंट्री डालेंगे क्या डालेंगे एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 1500 टू शेयर कैपिटल 1500 और फिर रिसिप्ट ऑफ कॉल बनी हो जाएगी बैंक अकाउंट 1500 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1500 देन सेकंड कॉल ड्यू की होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल रिसिप्ट ऑफ सेकंड कॉल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट ठीक है जी तो आज हमने देखा कि सिर्फ ये अकेली एंट्री भी आपको आ जाती होती है 5 मार्क्स के लिए समटाइम के सिक्योरिटी प्रीमियम की क्या एंट्री है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजे ठीक है जी तो आज हमने केस डिस्कस करा है इश्यूड एट पार इश्यूड एट प्रीमियम राइट नाउ आपके शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट नहीं होते हैं कंपनी एक्ट 2013 में अब ये क्लोज जो है वो खत्म हो चुकी है बिफोर 2013 जो शेयर्स थे वो डिस्काउंट पे भी इशू होते थे बट अब ये क्लोज जो है वो ओवर हो गई है तो हमने तभी आज एट पार और एट प्रीमियम की क्या करी है केसेस करे हैं अब आप अगर इस लेक्चर को आराम से देखते हैं तो आप अपने पार और प्रीमियम वाले जो जितने भी समय वो इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं थैंक यू